हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चार धाम दर्शन का संकल्प, जो दक्षिण के रामेश्वरम से शुरू किया था, उत्तर में बद्रीनाथ तक गए, फिर हम आ गए हैं पुरी में। पुरी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। पुरी आने के लिए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग ट्रेन से और हवाई यात्रा से भी आ सकते हैं। इस धर्म स्थल पे भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर के गुंबज का ऊपर एक ध्वज और स्वयं श्री विष्णु का चक्र सुदर्शन लगाया हुआ है। जगन्नाथ के इस मंदिर पे लगे हुए ध्वज और चक्र सुदर्शन की एक विशेषता है, चक्र सुदर्शन कोई भी कहीं से भी देखेगा उसके सामने दिखाई देता है और ध्वज हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। भगवान की ये अद्भुत लीला कहीं और किसी जगह में नहीं मिलेगा जहाँ पे ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता हो। इस मंदिर की दूसरी और एक अद्भुत लीला है जो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। गुंबज का छाया प्रत्यक्ष रूप से मंदिर के प्रांगण में दिखाई नहीं देता है। यह मंदिर समुद्र तट पे स्थित है, लेकिन ऐसा महसूस किया जाता है कि शाम का टाइम में कोई भी भक्त मंदिर के गेट के अंदर पांव रखते ही समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। श्री जगन्नाथ मंदिर देश के बहुत से शहरों में बनाया गया है और स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि कई देशों में, विदेशों में भी ये मंदिर स्थापित किया गया है। देखा गया है कि भक्तगण जब ट्रेन से जगन्नाथपुरी के लिए उतरते हैं स्टेशन पे, वहीं से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ का नारा और जय घोष लगाते हुए मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। पूरी जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए उपस्थित होते हैं। जगन्नाथ का ये पावन रथ यात्रा जुलाई महीने यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान के मंदिर से भगवान के मौसी का घर 2 किलोमीटर दूर है, उस रास्ते को पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा अलग अलग रथों में बैठ के यात्रा के लिए निकलते हैं। सबसे आगे रथ में बलराम जी, बहन सुभद्रा बीच में और पीछे की रथ में जगन्नाथ श्री कृष्ण जी मौजूद रहते हैं। इस रथ यात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं, जो सभी चाहते हैं कि वो रथ के पास पहुँच के रथ यात्रा का रस्सी पकड़ के भगवान को खींचने के लिए कोशिश करते हैं। इस रथ यात्रा के समय पुरी में पांव रखने के लिए भी जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरा रथ यात्रा सुबह से चलकर शाम तक मौसी के घर पहुंचता है। भगवान मौसी के घर यानी गुड़िंचा मंदिर जाते हैं और वहां पर 7 दिन मौसी के साथ रहते हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर पुनः अपने घर के लिए मंदिर वापस आ जाते हैं। यह रथ यात्रा देश और विदेश में बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जो जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे प्रमुख यात्रा और तीर्थ स्थानों में एक माना जाता है। इस साल सालों से चली आ रही परंपरा भी बाधित हो रही है। भगवान केदारनाथ की यात्रा कोरोना वायरस के वजह से भक्तगणों के लिए निराशाजनक साबित हुई है। वहाँ पे लॉकडाउन का वजह से भक्तगण कोई भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं पहुँच पाया। जुलाई में होने वाली पूरी रथ यात्रा भी अब भगवान के भरोसे ही है। जय जगन्नाथ, अपने भक्तों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ कहते हुए इस यात्रा को यहीं विराम देता हूँ।
उम्मीद करता हूँ ये पूरी यात्रा आपको पसंद आई होगी, आपके दिल को जरी छुआ है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।